जी तो ये मेटलर जी का लास्ट लेक्चर है अपना। अब एक बार आपने जो मेटल प्रोड्यूस कर लिया, चाहे जो उनसे मर्जी मेथड से करा है, ठीक है जी, अब आपका लास्ट प्रोसेस क्या होगा? जो मेटल मिलेगा आपको इम्प्योर मिलेगा, उसको आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो प्योरीफाई मेटल को प्योरीफाई करने का प्रोसेस होता है रिफाइनिंग। बहुत सारे मेथड है, डिस्टिलेशन, लीक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोनल रिफाइनिंग, वेपर फेस और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ठीक है जी। अब डिस्टिलेशन मेथड किसके लिए यूज़ करोगे? यानी कि आपका जो मेटल होगा वोलेटाइल होगा और इम्प्योरिटीज आपके पीछे रह जाएंगे। लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी, इनको डिस्टिल आप क्या करो, हीट करोगे, आपका मेटल क्या वेपराइज कर जाएगा, ऊपर आगे चिपक कंडेंस कर लो ऊपर, तो उसके अंदर पीछे इम्प्योरिटीज बच जाएंगे नीचे से हीट करने से, ठीक है जी, जिंक और मरकरी, ठीक है। लीक्वेशन में मतलब क्या है, जिस मेटल का और मेल्टिंग पॉइंट लो है, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, आप हीट करोगे मेटल मेल्ट करके नीचे आ जाएगा। लो मेल्टर मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन वगैरह, उनको आप ऐसे करोगे, कैन मेड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग सर्फेस, स्लोपिंग सर्फेस को प्रॉपर हीट करना शुरू किया, मेटल पिघल के आगे आ गया, इम्प्योरिटीज पीछे रह गई, हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है जी। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का फर्क है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का, वेपराइजेशन का फर्क, ठीक है जी। आगे आ गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपने पढ़ा ही हुआ है, जो आपको जो यहाँ पे आपने करना है इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योर मेटल का आपने एनोड बनाना है और प्योर मेटल का आपने क्या बना देना है, कैथोड बना देना है, प्योर मेटल कैथोड बना देना है, प्योर मेटल कैथोड और इम्प्योर मेटल का एनोड बना देना है। यहाँ पे देख ही लेते हैं यार, हाँ जी, ये देखो इम्प्योर मेटल का आपने कैथोड, प्योर मेटल का कैथोड, इम्प्योर मेटल का एनोड, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल के, जिस जिस मेटल को प्योर प्योर कर रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे आके आपको पता है कटायन कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ पे आके चिपकता जाएगा और यहाँ से आपका कटायन डिजॉल्व होकर नीचे आता जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ से मेटल निकल के यहाँ पे आ जाएगा और पीछे एनोड पे क्या बच जाएगा, एनोड पे इम्प्योरिटीज बच जाएगी, जिसको एनोड मड और स्लज बोलते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, एनोड स्लज, ठीक है। अब ये है, अगर आप कॉपर को प्योरीफाई करो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू, तो कॉपर सल्फेट वगैरह इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना, कंटेनिंग H2SO4, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है आप यूज़ कर सकते हो, एनोडिक मड कंटेन, एनोडिक मड में क्या होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, प्लेटिनम वगैरह, और जो इम्प्योर जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो कौन सी होंगी, आयरन, जिंक, निकल, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है ना आपको, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे, जब आप सिल्वर को प्योरीफाई कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो AgNO3 कंटेनिंग है, HNO3। लेड को प्योरीफाई कर रहे हो तो लेड सिलिको फ्लोराइड, और जिसके अंदर हाइड्रोजन सिलिको फ्लोराइड आपका पड़ा SADA पड़ा होगा साथ, ठीक है जी, क्लियर है। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये आपको ऐसे जो महंगे, जो आपको हाईली प्योर मेटल चाहिए होता है ना, वो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्योर करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है जी। ओके, क्यूपलेशन में आप वही इंप्योरिटी क्रूसिबल में हीट करते हो, ठीक है, द इंप्योरिटीज गेट ऑक्साइड रिमूव, द इंप्योरिटी यहाँ पे एयर के साथ एक पीछे आपके प्योर मेटल बन जाता है। लेड प्रेजेंट इन सिल्वर इज रिमूव्ड बाय क्यूपलेशन प्रोसेस, ठीक है जी। क्यूपलेशन चाइना डिश के अंदर हीट करो, इंप्योरिटीज में बाहर निकल जाएंगी। पायरोमेटलर्जी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी होती है आपको, ठीक है। डिस्टिलेशन करवा चुका हूँ, बिस्मथ, टिन, लेड, मरकरी वगैरह के लिए कौन सा लीक्वेशन मेथड, डिस्टिलेशन किन के लिए होता है, जिनका जो जल्दी वेपराइज कर जाते हैं, जैसे आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं सारे, ठीक है जी। बेसमराइजेशन में क्या होता है, आप कन्वर्टर होता है, जैसे कॉपर होता है, उसके ऑक्साइड आपने एयर के प्रेजेंस में हीट करना है, इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी, इम्प्योरिटीज ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज जो हैं वो ऑक्साइडाइज हो जाती हैं, ठीक है जी।
फॉलिंग में आपने लकड़ी डालनी है, लकड़ी के ऊपर आगे आपकी इम्प्योरिटी चिपकनी शुरू हो जाती है। इम्प्योर मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड्स एज इम्प्योरिटी कैन देन मोल्टन इम्प्योर मेटल इज स्टर्ड विद ग्रीन पोल्स ऑफ वुड। द ग्रीन पोल्स ऑफ वुड रिलीज हाइड्रोकार्बन विच रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये ओल्ड मैथड है, ठीक है जी। पोलिंग लकड़ी डाल के प्योर करना इम्प्योरिटीज को, इम्प्योरिटीज की ऑक्साइड को वो करता है, रिड्यूस करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑलरेडी कर ली है हमने। उसके बाद आ जाता है मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस कहाँ पे यूज होना है? देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपने जो इम्प्योर मेटल है उसको एक आपने मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के लिए यूज होता है मॉन्स प्रोसेस। वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेस में हीट करा पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो इतने टेम्परेचर पर स्टेबल है। जब हाई टेम्प ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है जी। जब आप इसको हीट करोगे फर्दर इतने हाई टेम्परेचर तो फिर से डीकम्पोज करता है। अब जब ये रिएक्ट करेगा इम्प्योर में से, सर निकल ही रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाए, इम्प्योरिटी तो पीछे रह गई यहाँ पे। ये जो गैसियस कंपाउंड बना है इसके अंदर निकल ही है। जब आप ये कॉम्प्लेक्स को हीट करोगे ये जब टूटेगा तो आपको प्योर निकल ही मिलेगा। दिस इज मॉन प्रोसेस, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे आप एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना सको जो आगे डीकम्पोज कर जाए। मॉन प्रोसेस निकल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होगा। क्वेश्चन भी आया हुआ आगे आगे आ गया वैन अर्कल मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, आपने ऐसे ही एलिमेंट का एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि फिर से टूट के प्योर कंपाउंड बना दे, ठीक है जी। जैसे टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, सिलिकॉन, इसी मेथड से आप आयोडीन के साथ इसके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टाइटेनियम के साथ देखो, टाइटेनियम के साथ इम्प्योर मेटल का आयोडीन के साथ रिएक्शन आया, ये आपका वेपर बन गया। इसको आगे हीट किया, ये डिकम्पोज करा, फिर से दोबारा प्रोसेस करते जाओ, ठीक है जी। सेम ही वैन अर्कल मेथड। आगे आ गया जोनल रिफाइनिंग। इसमें क्या है जी, जोनल रिफाइनिंग मतलब क्या, ये इम्प्योर मेटल की रॉड होती है, इसके इर्द गिर्द ये हीटर बना हुआ है, ये हीटर है। ऐसे ऐसे हीट करते जाओ तो जो आपकी मेटल है वो क्या बोलते, ये मेल्ट करेगा, इम्प्योरिटीज मेल्ट करेंगी। इम्प्योरिटीज जो होंगी वो आपकी इस हीटर के साथ साथ इसमें पड़ती जाएंगी, आगे आगे मूव करती जाएंगी। अल्टीमेटली इम्प्योरिटीज सारी एक एंड पे इकट्ठी हो जाएंगी और आपका प्योर मेटल जो फिर से पीछे से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। इम्प्योरिटीज इसके साथ साथ आगे चले जाएंगी, एक साइड पे आएंगे, आप इसको कट कर दो, ये जोन कट होगी। दिस इज कॉल्ड जोनल रिफाइनिंग। ये किसके लिए यूज होती है? आपके जो सेमी कंडक्टर्स वगैरह बनते हैं उनके लिए, उन्हें सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है जी। हाई प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड। ये आपका एनसीईआरटी मॉन्स प्रोसेस दिया हुआ है। ये वैन अर्कल मेथड जर्कोनियम टाइटेनियम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना डीकम्पोज कर गया। वैन अर्कल और मॉन्स प्रोसेस के लिए आपका पहले तो मेटल जो होता है वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाए जो कि आगे डीकम्पोज इजिली डीकम्पोजबल हो, ठीक है जी। अगला मेथड जो है क्रोमैटोग्राफिक मेथड। वो तो क्रोमैटोग्राफी आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी है, ठीक है जी, ठीक है। प्योरिफिकेशन वाले में एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस होता है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ठीक है। जो ज़्यादा एडजॉर्ब होता है पीछे रह जाता है, जो टाइटली एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्प्शन आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई है, ठीक है। जो टाइटली एडजॉर्ब है वो पीछे रह जाता है, जो लूजली एडजॉर्ब है वो आगे आ जाता है। चाहे इम्प्योरिटी ज़्यादा एडजॉर्ब होती है, चाहे प्योर चीज़ ज़्यादा एडजॉर्ब होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बड़े तरह की क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, दो फेस होते हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हमको ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी, ठीक है। और एक बात रखना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी यूजफुल प्योरिफिकेशन एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन मैन्यूर क्वांटिटीज एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स टू बी वेरीफाई। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मेथड यूज करोगे? तो ये यहाँ पे यूज होएगा क्रोमेटोग्राफी। आगे यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, ये आप भाई खुद पढ़ लेना, ठीक है जी। एल्युमिनियम एक तो फॉयल, कपड़े रोटी पैक करने के लिए, डस्ट इज यूज इन पेंट एंड लैकर्स, एल्युमिनियम बिंग यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम, थर्माइट प्रोसेस, ठीक है जी। वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, अलॉयज कंटेनिंग एल्युमिनियम बिंग लाइट आर यूजफुल एरोप्लेन्स वगैरह के पार्ट बनते हैं, ठीक है जी। कॉपर भी वायर, कॉपर की वायर mostly household में, electrical industry and water steam pipes, it also several alloys that are rather tougher than metals, brass, bronze, coinage alloy, zinc का galvanizing iron में use large quantities in batteries,
मैनी अलॉयज, ब्रास वगैरह, ये ब्रास की कॉम्पोजिशन क्वेश्चन आ जाता है, जर्मन सिल्वर कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। जिंक डस्ट इज यूज इन, जिंक के साथ आपने ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस करी है, जिंक ऑक्साइड या फिनोल से बेंजीन बनानी होती है, ठीक है जी। कास्ट आयरन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन, जो क्यों, कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, इट यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ रॉट आयरन एंड स्टील। कास्ट से रॉट आयरन बनती है, रॉट आयरन इज यूज इन मेकिंग एंकर्स, सबसे मैलेबल फॉर्म यही है, प्योरेस्ट फॉर्म इज द मोस्ट मैलेबल। वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, स्टील फाइंड नंबर ऑफ यूज, अलॉय स्टील इज इम्प्लीमेंट, वेदर निकल स्टीरियो मेकिंग, केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये खुद पढ़ लो भाई, इसमें क्या मैं समझाऊँ बताओ, ठीक है, पर पढ़ जरूर लेना, क्वेश्चन आ जाता है जी, ठीक है जी, थैंक यू।